नमस्कार, मैं साधना और एक नई रेसिपी के साथ साधनाज किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी कश्मीरी पुलाव। तो बिना देर किए चलिए बनाना शुरू करें। कश्मीरी पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बासमती चावल लिए हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले हम 3-4 बार साफ पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ता, 10 से 12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 6 से 8 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 1/2 कटोरी केसर वाला दूध लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 कटोरी गर्म दूध लिया था और उसमें कुछ केसर के धागे डाल दिए थे। ये थोड़ी सी किशमिश ली है, थोड़ा सा काजू, कुछ बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। साथ ही मैंने थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ भी ली है। तो हम पुलाव को कुकर में तैयार कर रहे हैं और सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। तो घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और ये तेज पत्ता। अब इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपनी खुशबू नहीं छोड़ते। तो मसाले चटकने लग गए हैं और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। और इसे मीडियम आंच पर ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस प्याज को बिल्कुल वैसे ही फ्राई करना है जिस तरीके से हम बिरयानी के लिए ब्राउन ऑनियन तैयार करते हैं या फिर सब्जी बनाते समय जो हम करी के लिए ब्राउन ऑनियन तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से इसे भी उसी तरीके से ब्राउन होने तक तैयार करेंगे। इसे हम लगातार चलाएंगे वरना ऐसा ना हो कि कहीं पे प्याज जल जाए। तो ये देखिए प्याज ब्राउन होने लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और हरी मिर्च। अब देखिए प्याज होने ही वाला है। ये देखिए बस थोड़ा सा और अब मैं इसमें नट्स डाल दूंगी जिससे ये भी साथ में फ्राई हो जाएंगे। और ये किशमिश। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा सौंफ डालूंगी कुटा हुआ और ये जो मैंने केसर वाला दूध लिया था इसको भी डाल दूंगी। इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो मैंने 1 कटोरी चावल लिया था तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और इसे भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें लगाएंगे ढक्कन और इसमें मीडियम आंच पर 1 सीटी लगाएंगे। तो देखिए 1 सीटी लग चुकी है और इसकी मैंने गैस नहीं निकाली है, गैस को खुद से निकलने दिया है और ये गैस फ्री हो गया है। और अब मैं इसको खोलती हूँ। तो देखिए तैयार है वही ओरिजिनल स्वाद वाला हमारा कश्मीरी पुलाव।
लेकिन बहुत ही इंस्टेंट तरीके से। और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके आगे जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।